जम्मू कश्मीर में सितंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने और दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करने के लिए समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अब सपा भी अपना दम दिखाने की तैयारी करते हुए नजर आ रही है। जियालाल वर्मा ने प्रत्याशियों के नाम की सूची भी अखिलेश यादव को सौंप दी है। आज इस सूची का ऐलान हो सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिना कांग्रेस के गठबंधन के उतर रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कश्मीर के कांग्रेस गठबंधन में सपा को जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि सपा जम्मू कश्मीर की पुलवामा, राजपोरा, कुलगाम, सोपोर, अनंतनाग और किश्तवाड़ की जिन सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है, वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर में गठबंधन में कोई सीट मिले, इसकी उम्मीदें कम हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने कश्मीर में अपनी किस्मत आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की मशक्कत में लगे हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन से सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ इन प्रदेशों में उनकी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।